नमस्कार दोस्तों, मैं संबलपुर ईस्ट कोस्ट रेलवे चैनल से आपके लिए एक अनोखा चीज़ लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपके लिए हर एक ट्रेन का टाइम टेबल के बारे में बताऊँगा। तो आज मैं शुरू करने वाला हूँ संबलपुर पुरी इंटरसिटी एक्सप्रेस के साथ। हाँ दोस्तों, ये इस ट्रेन को खींचने वाली लोको है विशाखापट्टनम WDM 3D। ये इसका रेक कॉम्पोजिशन है ईस्ट कोस्ट रेलवे। ये 342 की डिस्टेंस कवर करती है विद द एवरेज स्पीड ऑफ 52 किलोमीटर पर आवर। इसके 14 हॉल्ट हैं और ये अपनी दूरी ख़त्म करती है 6 hours 35 minutes में। तो हम इसके अकोमोडेशन के बारे में बातें करेंगे। तो इसका अकोमोडेशन कुछ इस प्रकार है, इसमें AC चेयर कार हैं और इसके साथ साथ इसमें सेकंड सिटिंग का भी सुविधा है और जनरल की भी। ये ट्रेन संबलपुर से सुबह 6 रवाना होती है। ये ट्रेन प्लेटफॉर्म तमाम 1 से रवाना होती है। ये स्टेशन 99 इलेक्ट्रिफाइड है। उसके बाद ये ट्रेन पहुंचती है संबलपुर रोड में। संबलपुर रोड में ये 64 में पहुंचती है और 66 में रवाना होती है। ये स्टेशन 99 इलेक्ट्रिफाइड है। उसके बाद ये ट्रेन पहुंचती है जुजुमुरा में। जुजुमुरा ये 6:35 को पहुंचती है और 6:37 में रवाना होती है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन ऑफ डबलिंग एंड इलेक्ट्रिफिकेशन। उसके बाद ये ट्रेन पहुंचती है रेड़ा खोल। यहाँ पर ये 7 o'clock पहुंचती है सुबह के और 7:02 को रवाना हो जाती है। उसके बाद ये ट्रेन पहुंचती है बामोर स्टेशन में। ये स्टेशन में 7:15 को पहुंचती है और 7:17 को रवाना होती है। ये स्टेशन अंडर कंस्ट्रक्शन ऑफ डबलिंग एंड इलेक्ट्रिफिकेशन। उसके बाद ये पहुंचती है बोइंडा। बोइंडा में ये 7:40 को पहुंचती है और 7:42 को रवाना होती है। ये स्टेशन सिंगल लाइन इलेक्ट्रिफाइड है और अंडर कंस्ट्रक्शन ऑफ डबलिंग। उसके बाद ये ट्रेन पहुंचती है जरपड़ा। जरपड़ा ये 7:55 को पहुंचती है और 7:57 को रवाना होती है। ये सिंगल लाइन इलेक्ट्रिफाइड अंडर कंस्ट्रक्शन ऑफ डबलिंग में है। उसके बाद ये ट्रेन पहुंचती है अनगुल। यहाँ पर ये पहुंचती है 8:35 को और 8:40 को रवाना होती है। यहाँ पर इसका 5 का स्टॉप है और ये 99 इलेक्ट्रिफाइड है। उसके बाद ये ट्रेन पहुंचती है तालचेर रोड। यहाँ पर ये 8:53 में पहुंचती है और 8:54 में रवाना होती है। ये ट्रेन स्टेशन 99 इलेक्ट्रिफाइड है। उसके बाद ये ट्रेन पहुंचती है मेरा मंडली में ये 9:12 को पहुंचती है और 9:14 को रवाना होती है। ये 99 इलेक्ट्रिफाइड स्टेशन है। अब तक ये ईस्ट कोस्ट रेलवे में ही चल रहा है और इसका पूरा सफ़र ईस्ट कोस्ट रेलवे में है। इसके बाद ये पहुंचती है ढेंकानाल। यहाँ पर ये 9:41 को पहुंचती है और 9:43 को रवाना होती है। ये 99 इलेक्ट्रिफाइड है। उसके बाद ये ट्रेन नराज मार्थापुर पहुंचती है 10:24 में और 10:28 में रवाना होती है। ये स्टेशन 99 इलेक्ट्रिफाइड है। उसके बाद ये पहुंचती है मांचेश्वर। यहाँ पर ये 10:48 में पहुंचती है और 10:50 में रवाना होती है। उसके बाद दोस्तों ये पहुंचता है भुवनेश्वर यानी उड़ीसा का कैपिटल। यहाँ पर ये
11:05 को पहुंचती है और ये 11:15 को रवाना होती है। इस ट्रेन का ये है उसका सबसे लंबा हॉल्ट, यहाँ पर ये 10 मिनट रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन पहुंचती है खोरदा रोड जंक्शन। खोरदा रोड में ये 11:40 को पहुंचती है और 11:45 को रवाना होती है। ये ट्रेन का यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट है। उसके बाद इसका आखिरी स्टेशन है पुरी। पुरी में ये पहुंचती है 12:35। इसका एवरेज डिले 13 मिनट्स तक है और ये डबल लाइन इलेक्ट्रिफाइड रूट है। सो दोस्तों, आप प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल और कमेंट कीजिए, और मुझे इतना कमेंट कीजिए और बोलिए कि कौन सा ट्रेन के बारे में आपके जानकारी चाहिए। थैंक यू।